पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर झज्जर शहर के महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम से लेकर लघु सचिवालय तक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांगों का पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने उनके बीच पहुंचकर समर्थन किया। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करके उनका मान सम्मान किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कर्मचारियों की इस मांग को शामिल करेगी। प्रदेश पेंशन बहाली संघर्ष समिति के महासचिव ऋषि ने कहा कि कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अब तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए कर्मचारियों में काफी रोष है और कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में झज्जर मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया है और अगर सरकार समय रहते कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो विधानसभा चुनावों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कर्मचारी सरकार को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 1 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। देखिए, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा केवल और केवल एक मांग को लगातार 2018 से संघर्ष रहता है। हम लगातार सरकार के माध्यम से, डीसी के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से हमारी मांग उठाते रहे हैं। हम बड़े बड़े धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, चाहे वो 7 अक्टूबर 2018 की रैली करनाल के अंदर जहां लाखों कर्मचारी पहुंचे हो, चाहे वो साइकिल यात्रा पिछले साल जून के महीने में हमने निकाली हो, चाहे पिछली 2023 में 19 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, लेकिन सरकार के कान पर अब भी जू नहीं रेंग रही। इसलिए हम देखिए, आज जो एनपीएस आज सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसमें केवल और केवल कर्मचारी की ही नहीं, हरियाणा सरकार को भी इसमें नुकसान हो रहा है। अब आप देखिए, युद्ध रूस और यूक्रेन का होता है, नुकसान हरियाणा के कर्मचारियों का होता है, तो टोटली पैसा जो पूंजीपतियों के माध्यम से शेयर मार्केट के हवाले कर दिया है, इसलिए हमारी लड़ाई है। एक कर्मचारी विभाग को 30 से 35 साल देने के बाद भी खाली हाथ घर लौट रहा है। जो हमारे कर्मचारी एनपीएस के तहत रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी पेंशन आज 700, 800, 1500, 1200, जो बुढ़ापे पेंशन से भी कम है, तो इस शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और आज आंदोलन का स्वरूप हमने बदल दिया है। हमने लोकसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री को चेताया था कि वो आचार संहिता लगने से पहले पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा पेंशन बहाली संघर्ष समिति वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएगी, जो हमने हिमाचल में चलाकर वहाँ के मुख्यमंत्री को बदलने का काम किया था और अपनी पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया था। उसी को लेकर हम लगातार आज फिर आपके माध्यम से तमाम, आज हम झज्जर में पहुंचे, हमने 28 जून से तमाम जिलों में आक्रोश मार्च शुरू की है। आज ये 7वां आक्रोश मार्च हमारा है, 18 को गुरुग्राम में आक्रोश मार्च है। इससे लगातार हम प्रत्येक जिले से होते हुए 1 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी उससे पहले हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर देते तो हम उस घेराव को आभार सम्मेलन में बदलने का काम करेंगे, अन्यथा हम फिर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, वोट फॉर ओपीएस मुहिम चलाएंगे और जो हमारी मुहिम का साथ देगा हम उसको साथ जाने का काम करेंगे। मैं ऋषि नैन, प्रदेश महासचिव, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा।